यहाँ पे आपके पास ये दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x इज इक्वल टू 4 साइन x cos x by 2 cos 3 by 2। जैसा आपसे कहा था सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए आंसर आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास जो है ये है साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। अब यहाँ दो ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, आप चाहें तो फर्स्ट टू पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें और लास्ट पे फॉर्मूला अप्लाई कर दें, अभी मैं बता दूंगा कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दें, या आप चाहें तो इनको रीअरेंज कर दें। रीअरेंज आप कैसे कर सकते हैं, 3 प्लस 1 4 बाई 2 2 होता है और इस 2 को लास्ट में ले लें, तो आप ये भी कर सकते हैं, तो चॉइस आपकी है। मैं पहले आपको ऐसे ही रीअरेंज कर रहा हूँ जिससे कि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x, ये मैं कर सकता हूँ। अब आप पहले फॉर्मूला अप्लाई करिए साइन c माइनस साइन d का। तो साइन c माइनस साइन d क्या होता है भाई, साइन c माइनस साइन d होता है, पहला आएगा cos 2 cos c प्लस डी बाई टू, माइनस में पहले कॉस आएगा और दूसरा आएगा साइन सी माइनस डी बाई टू और ये है हमारे पास साइन टू एक्स। अभी साइन टू एक्स को एज इट इज रहने दें, तो आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा टू कॉस थ्री प्लस वन फोर, फोर बाई टू टू एक्स एंड थ्री माइनस वन, ठीक है, फोर फोर बाई टू, थ्री माइनस वन टू, टू बाई टू वन एक्स। अब अगर आपके पास साइन 2x का फॉर्मूला याद हो, क्या होता है भाई साइन 2x का फॉर्मूला याद हो तो कुछ, साइन 2x इज इक्वल्स टू 2 साइन x cos x, याद है कुछ? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप साइन 2x का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास आएगा 2 साइन x cos x। अब आपके पास क्या कॉमन है, आपके पास 2 sin x कॉमन आ जाएगा, तो आप 2 sin x कॉमन ले लीजिए। तो अगर आप 2 sin x कॉमन लेंगे, हमने 2 को कॉमन लिया है और sin x को कॉमन लिया है, तो आपके पास जो रिमेनिंग होगा वो होगा cos 2x plus cos x। तो अब आप cos c plus cos d का फॉर्मूला अप्लाई करिए, कोई मुझे बताएगा cos c plus cos d क्या होता है, जब दोनों cos को प्लस करें, cos को आप प्लस कर रहे हैं। जी रामेश साहब बोलो। 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2। Yes, cos को प्लस करेंगे तो दोनों cos आएंगे। Yes, c plus d by 2 and cos c minus d by 2, बस यही हमारा राइट हैंड साइड था। आपके पास क्या आ गया, 2 2 जा 4 sin x cos 2 plus 1 3x by 2 and cos 2 minus 1 1 by 2। अगर आप चेक करेंगे यही हमें राइट हैंड साइड चाहिए, 4 sin x cos x by 2 cos 3x by 2, तो यहाँ हमें कुछ नहीं करना। लेकिन अगर इसी को जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया हुआ था तो उस ऑर्डर में भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर हम यहीं से स्टार्ट करें और हम फॉर्मूला अप्लाई करें साइन सी प्लस साइन डी का, तो साइन सी प्लस साइन डी होता है 2 साइन 3 प्लस 2 5 एक्स बाई 2 एंड नेक्स्ट आएगा कॉस 3 माइनस 1 3 माइनस 2 1 1 बाई 2। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, दोबारा से देखिए, थोड़ा तेज हो जाता है तो आप लोगों के सिर पे सुतर जाता है। हमारे पास क्या है, हमारे पास है साइन सी प्लस साइन डी माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देख लीजिए सब बच्चे। एक्चुअली क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी
हो जाएगा, फर्स्ट आएगा साइन सी प्लस डी बाई टू, सेकेंड आएगा कॉस सी माइनस डी बाई टू। लेकिन यहाँ पे जो साइन एक्स है, साइन एक्स इसका मैंने हाफ वाला फॉर्मूला बताया था, साइन टू ए वाला, तो टू साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू, क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? सब बच्चे बताओ। साइन सी प्लस साइन डी, टू साइन सी प्लस डी बाई टू एंड कॉस सी माइनस डी बाई टू होता है, और साइन थीटा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू होता है, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो इस पे यहीं पे तो आप पहले वाले में साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ टू कॉस, बताओ थ्री, थ्री प्लस टू कितना होता है? फाइव। तो आपके पास आ जाएगा फाइव एक्स बाई टू। ठीक है, अच्छा पहला साइन आना है, हमने कॉस लिख दिया, और दूसरा आना है कॉस, टू साइन फाइव एक्स बाई टू, फिर आएगा कॉस। बताइए थ्री माइनस टू क्या होता है? थ्री माइनस थ्री माइनस टू हो जाएगा टू, थ्री माइनस टू हो जाएगा वन, और वन बाई टू, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस, ये जो आपके पास साइन एक्स है उस साइन एक्स को आप रखोगे ये, तो क्या रखोगे? टू साइन एक्स बाई टू एंड कॉस एक्स बाई टू, यस और नो? हाँ जी, सब बच्चों को समझ में आ गया। अब क्या कॉमन है हमारे पास, इस बार हमारे पास कॉमन क्या है? टू है, कॉस एक्स बाई टू टू है, और कॉस एक्स बाई टू कॉमन आ गया। तो अगर टू कॉस एक्स बाई टू कॉमन आएगा तो आपके पास इन ब्रैकेट क्या रह जाएगा? साइन फाइव एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है जी? पहला आएगा कॉस सी प्लस डी बाई टू, दूसरा आएगा साइन सी माइनस डी बाई टू, यस और नो? भाई साइन को प्लस प्लस करोगे तो पहला साइन दूसरा कॉस, साइन को माइनस करोगे पहला कॉस दूसरा साइन, चेक करो क्या क्या आ गया, टू टू जा फोर, कॉस एक्स बाई टू एज इट इज। ये पहला वाला क्या आएगा सर? फाइव प्लस वन क्या होता है? फाइव प्लस वन सिक्स, सिक्स बाई टू क्या होता है? थ्री, और थ्री बाई टू, और थ्री बाई टू, तो कॉस थ्री एक्स बाई टू। अच्छा बताओ फाइव माइनस वन क्या होता है? फोर बाई टू क्या होता है? टू, और टू बाई टू क्या होता है? देखो ये आ गया। तो आपकी चॉइस है, आप जिस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करना चाहे जी, एक बार जरा नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। दोनों ही वैसे इसको नोट कर लो जरा, एक बार थोड़ा सा नींद आ गई क्या? Oh, thank you.